मुझे तीनों सब पूरा ओवरऑल बहुत अच्छा लगा और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जहाँ पर इतनी एनर्जी और मनी जहाँ पर भी सब कुछ इन्वेस्ट किया और मुझे उसका आउटकम मिला। कोऑपरेटिव आप लोग बहुत ज़्यादा थे, अपने फ्लॉज भी बताए आपने बहुत अच्छे तरीके से भी बताए और जो हमारी स्ट्रेंथ्स थी आपने वो भी बताई। ये नहीं कि सिर्फ फ्लॉज के ऊपर काम किया, स्ट्रेंथ्स के ऊपर भी बात बताई और ये सब चीज़ें ओवरऑल। और मैं तो हाईली रिकमेंडेड, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने यहाँ पर चूज़ किया इस चीज़ को। ओवरऑल मैंने, मुझे भी किसी ने रिकमेंड नहीं किया था, ये मैंने खुद ही यूट्यूब से सर्च किया था बिकॉज़ आई एम ऑन इट और मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर मैं मतलब सही, मुझे जेन्युइन प्लेटफॉर्म मिले। तो आई एम वेरी ब्लेस, आई एम वेरी लकी कि मुझे मिला और मैंने उसके ऊपर आपसे कॉन्टेक्ट भी किया और मेरी आपसे ही बात हुई उसमें। मैं उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जिससे मेरी आपसे बात हुई डायरेक्ट और आई वॉज लाइक येलिंग और मैं स्टमक्स के, मैं अपनी बहन को बता रही थी कि मेरी मिस चबाना से बात हुई, तो मैं पता है उनसे बात हुई मेरी तो आई वॉज लाइक दिस मच हैप्पी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा गया। थैंक यू मेहरोज। और कोई सजेशन हमारे लिए? मैम इस तरह की तो कोई सजेशन नहीं है, माशाल्लाह यू आर ओवरऑल ऑलरेडी डूइंग अ लॉट एंड अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। बस थोड़ी सी सजेशन ये थी कि मुझे लग रहा था कि मुझे क्योंकि एज अ स्टूडेंट और मैं जॉब भी कर रही हूँ तो मुझे ये था कि मेरे सैटरडे और संडेज भी बुक होते थे, तो कई दफ़ा मेरा इस वजह से भी बीच में सेशन काफ़ी और टाइमिंग्स मुझे ऐसे लगती थी कि मेरा दूसरा काम भी बीच में चल रहा होता था तो मेरा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता था इस टाइमिंग स्लॉट के अंदर। तो अगर टाइमिंग स्लॉट्स ऐसे हों कि एक ही दिन में आपको डिफरेंट 3 स्लॉट्स मिल जाएं उसमें से आप अपना प्रेफरेबल चूज़ कर लो, तो बस इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा था। माइट बी वो मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट था तो जो मुझे फील हो रहा था कि मेरा अपना स्केड्यूल बहुत टाइट है, अदरवाइज ओवरऑल इट्स हाईली रिकमेंडेड। आई एम सो थैंक ब्लेस्ड यू। एंड लकी।